मोहतरम हाजरीन, इसके बाद वक्त काफी हो चुका है, इजलास का इख्तिताम है। सदारती बात और जनाब एमएलए साहब, कमिश्नर साहब की बात से पहले जनाब मौलाना अयूब अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर 5 मिनट के अंदर अपने तासुरात का इजहार फरमाए। इंशाल्लाह मदनी मस्जिद के अंदर ईशा की नमाज 9:45 बजे खड़ी होगी। जैसे इंशाल्लाह 9:45 से पहले इजलास का इख्तिताम हो जाएगा, जमात खड़ी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वबिही नस्ताईन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलिही वअस्हाबिही वबारिक वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या दाऊद इन्ना जअलनाका खलीफतन फिल अर्ض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ان الذين يضلون عن سبيل الله بما نسوا يوم الحساب صدق الله العظيم وقال الله عز وجل في موضع اخر فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العظيم। حضرات एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लें। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم। दरूद पढ़ें, सभी दरूद पढ़ें। स्टेज पर तशरीफ फरमा जमीयतुल उलमा के सदर हजरत मौलाना महमूदुल हसन साहब सिद्दीकी मददुल्लाह अलैह, तमाम पार्टियों के कामयाब और नाकाम हमारे महबूब नुमाइंदे, जिस वक्त यहाँ हमारे सामने तशरीफ फरमा है, जिनको अल्लाह ने कौम की खिदमत के लिए, मुल्क हिंदुस्तान के एक शोरे की खिदमत के लिए यहाँ मुंतखब करके लाया है, वो सब इस वक्त मेरे मुखातब हैं। आमतौर से खिताबात सामने बैठे हुए सामीन से होते हैं, आज के ये जलसा सामने बैठे हुए सामीन से नहीं है, मेरे मुखातब मेरे स्टेज पर तशरीफ फरमा हमारे रहनुमा है। और ये फरीजा कोई सियासी फरीजा नहीं है, बल्कि ये अल्लाह और उसके रसूल का दिया हुआ बहुत ही अहम फरीजा है। एक हदीस पाक आपको मैं इस वक्त सुनाई देता हूं, जिस बुखारी शरीफ में भी हदीस है, मुस्लिम शरीफ में भी हदीस है और दीगर कुतुब में भी हदीस मशहूर हदीस है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अद्दीन अन्नसीहा, कालू यमन या रसूल अल्लाह, काल लिल्लाहि वली रसूलिही वली किताबिही वली अइम्मतिल मुस्लिमीन व आम्मतिही। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तीन नाम है खैरखाही का, भलाई चाहने का, नेकी चाहने का, नसीहत करने का। अल्लाह के नबी का फरमान है, मेरी जुबान है, सरकार का फरमान है। तो इस फरीजे के अदा करने के लिए जमीयतुल उलमा मैसूर ने अपने इस एहसास पर जगाने के लिए जो फरीजा अल्लाह ने, अल्लाह के नबी ने उनके कंधों पर डाला है, आज ये एहसास जमा किया है। ये किसी पार्टी का, ये किसी शोबे का, ये किसी जमात का, किसी सियासी प्लेटफॉर्म का नहीं है, बल्कि जमीयत-उल-उलमा हिंद 100 साल की पूरी मुद्दत से इन प्लेटफॉर्म को बराबर सजाए हुए है, गैर सियासी प्लेटफॉर्म है। अल्लाह के नबी का फरमान है, मैंने हदीस सुनाया, तीन नसीहत का नाम है, खैरखाही का नाम है। सहाबाए इकराम ने पूछा, अल्लाह के रसूल किसके साथ खैरखाही करना, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के साथ, अल्लाह के रसूल के साथ और अल्लाह की किताब के साथ। फिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो नुमाइंदे मुसलमानों की खिदमत करने के लिए मुंतखब होकर बादशाह बनकर, वजीर बनकर और कुछ बनकर, और कुछ बनकर आते हैं, इनको अल्लाह ने बड़ा बनाया, इनको अल्लाह ने अमीर बनाया, इनके कंधों पर अल्लाह ने जिम्मेदारी डाली, वो तुम्हारी नसीहत के मोहताज है, तुम उनकी नसीहत करो। ये अल्लाह के नबी का फरमान है,
इस फरमान के अदा करने के लिए उलमाए कराम यहाँ जमा हुए हैं, वरना इसके सियासी कोई मकसद हरगिज़ नहीं है। न किसी जमात का साथ देना, न किसी जमात को कम करना, किसी जमात को चढ़ाना, ये खैरख्वाही ये भलाई हर मुसलमान का फरीजा है और इसको सबसे पहले जिम्मेदारी इसके कोई है तो उलमाए कराम है, उलमाए कराम है। इसलिए मैं सबसे पहले इस इजलास के लिए हजरत मौलाना महमूद साहब को और हजरत मौलाना अकबर शहीद साहब को जिम्मेदारी देता हूँ कि उन्होंने एक दीन का अहम फरीजा अदा करने का ठाना और इस फरीजे को ही अदा किया है। मेरे भाइयों, ये तो इजलास का मकसद हुआ। अब मैं मेरे इन अहबाब से मुखातब होता हूँ। लंबी चौड़ी गुफ्तगू मुझे नहीं करना है, कच्चे गुफ्तगू करने के लिए बड़ा मौका है, बेहतरीन मौका है, लेकिन बहरहाल मुख्तसर तौर से मैंने कुरान पाक की एक दो आयतें पढ़ी हैं, एक सूरह नमल की आयत मुबारका है और एक सूरह सात की आयत मुबारका है, बस उसका मैं तर्जमा करूंगा और आप लोगों से मैं दरख्वास्त करूंगा, आप मोमिन हैं, मेरे नुमाइंदो, मेरे अमीरों और मेरे यहाँ आए हुए मेरे प्यारे भाइयों, जिनको मेरे भाइयों ने अपना खून पसीना देकर वोट डालकर बड़ी उम्मीदों के साथ, बड़ी लच्चाहट के साथ, बड़ी तमन्नाओं के साथ, बड़ी जोश के साथ, बड़े जज्बे के साथ कामयाब किया है। आपसे आपका मालिक अल्लाह मुखातब है, अल्लाह कह रहा है, मैं नहीं कहता, मैं क्या हूँ कि आपसे क्या अर्ज करूँ, मैं सिर्फ अल्लाह की बात आप तक पहुंचाता हूँ। मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, ये मौका है आपके जन्नत के खरीदने का, ये मौका है आपकी जन्नत के खरीदने का, ये मौका है आपको जहन्नम से छुटकारा हासिल करने का, और अगर ये मौका आपने गवा लिया तो फिर क्या होगा, आप तन्हा नहीं डूबेंगे, आप तन्हा बर्बाद नहीं होंगे, आप तन्हा खराब नहीं होंगे, ये तो कयामत का मैदान होगा जहां आप तन्हा पूछे जाएंगे। अगर डूबेगी तो पूरी कौम डूबेगी, आप डुबाएंगे तो पूरी कौम डूबेगी, आप बर्बाद करेंगे पूरी कौम बर्बाद होगी, आप बिकेंगे तो पूरी कौम बिकेगी, आप जाहिल रहेंगे पूरी कौम जाहिल रहेगी। ये मेरी बात नहीं है, ये अल्लाह का फरमान है। अल्लाह ने सूरह साद में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से मुखातब करते हुए फरमाया, या दाऊद, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम नबी हैं, नबी पाक होते हैं, ये हमारा अकीदा भी है, सच्ची हकीकत भी है, नबी मासूम होते हैं, उनको किसी की नसीहत करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन अल्लाह ने नसीहत की नबी का नाम लेकर, तो आप कितने मोहताज हैं कि उलमाए किराम के पास आकर नसीहत हासिल करें, आप कितने मोहताज हैं इन लोगों के पास जाएं पूछें कि मैं अपनी जिम्मेदारी को कैसे अदा करूं। नबी को अल्लाह अपने कलाम में नाम लेकर बताता है, या दाऊद इन्ना जानना का खलीफतन फिल अर्ज, ऐ दाऊद हमने तुमको जमीन का जिम्मेदार ठहराया है, आज शांति नगर का जिम्मेदार अजीज भाई मेरे पंडू भाई बने हैं, आज हमारे 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 उदयगिरी के जिम्मेदार अय्यूब खान साहब बने हैं, आज फलाह के जिम्मेदार फलाह साहब बने हैं, फलाह के जिम्मेदार फलाह साहब बने हैं, आज हम उनसे मुखातिब हैं। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह फरमाता है, कुरान पर ईमान है, आपके माओ ने आपको मुसलमान जना है, आपने ईमान रखा है कुरान पर, आपको मरना है तो कहो कुरान को लेकर मरना है, यह कुरान आपसे कहता है, या दाऊद इन्ना जानना का खलीफतन फिल अर्ज, ऐ दाऊद हमने तुमको जमीन का जिम्मेदार ठहराया, हमने तुमको जमीन की कुंजियां तुम्हारे हाथ में दी है, ये कुंजियां खेलने के लिए नहीं, ये कुंजियां पटाखे बजाने के लिए नहीं, ये कुंजियां रात को शराब पीने के लिए नहीं, ये कुंजियां हमारे कौम को बेचने के लिए नहीं, ये कुंजियां हमारे कौम को बर्बाद करने के लिए नहीं, ये कुंजियां जो दी गई है हमारे कौम की तकदीर तुम्हारे हाथों में दी गई है, हमारे कौम की बर्बादी तुम्हारे हाथ में, हमारे कौम का उरूज तुम्हारे हाथ में, हमारे कौम की बड़ाई तुम्हारे हाथ में दी गई है, ये अल्लाह के पास हिसाब देना है, ये नबी से अल्लाह फरमा रहे हैं, ये नबी से अल्लाह फरमा रहे हैं, या दाऊद इन्ना जानना का खलीफतन फिल अर्ज फहकुम बैनन्नास बिल हक, मामला आए इंसाफ के साथ मामला करो, मामला आए फहकुम बैनन्नास बिल हक, हक के साथ, जिन जिन का जो हक है, जिन जिन का जो सिस्टम है, जिन जिन का जो तरीका है, उस तरीके के मुताबिक उस हक को अदा करने के लिए, उस हक को पूरा करने के लिए, उस हक को अदा करने के लिए, ये खजाने की कुंजियां, ये पोजिशन, ये एमएलए, ये एमपी, ये कारपोरेशन तुम्हारे हाथों में दी गई है। मेरे भाइयों, अल्लाह फरमाता है, वाला तत्तबे अल हवा, वाला तत्तबे अल हवा, वाला तत्तबे अल हवा, भाइयों ख्वाहिशा के पीछे मत दौड़ो, ये मुझसे नहीं कह रहा है अल्लाह, कुरान में हमसे बहुत जगह कहा गया, इस आयत में जो कहा गया है, इस आयत में जो कहा गया है, ये इस पर बैठे हुए इन्हीं आवाज से कहा गया है,
ये आपसे नहीं कहा गया है। वाला तत्व हवा भाई, ख्वाहिशात के पीछे मत दौड़ो। शराब पीना ख्वाहिशात है, पटाखे उड़ाना ख्वाहिशात है, खुशियां मचाना ख्वाहिशात है, ये जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी। अल्लाह के नबी ने फरमाया आदिल बादशाह जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल होगा। आदिल बादशाह जन्नत में बगैर हिसाब के दाखिल होगा। एक वली कामिल, एक मुजद्दिद की दुआएं रद्द हो सकती हैं, आदिल बादशाह की दुआएं रद्द नहीं होती। ये हमारे बुजुर्गों से हमने हासिल किया है। आज हमारे कौम लीडरों की मोहताज है। क्यों? इसलिए कि लीडर के हाथ में मुसलमानों की तकदीर है। ऐसा नहीं है कि लीडर बन गए तो हमने सिर्फ खुशियां मना दी। सारे मुसलमानों की तकदीर तुम्हारे हाथों में है मेरे भाइयों। तुम्हारे लिए जन्नत की कुंजी दी गई है, तुम्हारे लिए जन्नत की कुंजी दी गई है। जहन्नम से छुटकारे का रास्ता तुम्हारे हाथों में दिया गया है। इसलिए हम आपको नसीहत करते हैं। ये नसीहत अल्लाह के नबी के फरमान के मुताबिक करते हैं। ये नसीहत अल्लाह के हुक्म के फरमान के मुताबिक करते हैं। हम बड़े बनकर नहीं कर रहे हैं, माफ फरमाएं, हम बड़े बनकर हरगिज नहीं कर रहे हैं। यह हमारा फरीजा है। ये फरीजे को अदा करने के लिए हम आपसे मुखातिब हैं। फरमाया अल्लाह ने वला तत्तबिउल हवा फयुदिल्लका अन सबीलिल्लाह, अगर ख्वाहिशात पर चलोगे अल्लाह की राह को तुम भटका दोगे। और तुम खुद नहीं भटकोगे, पूरी कौम को तुम भटका दोगे, पूरी कौम को भटका दोगे। नतीजे में अल्लाह का अजाब तुम पर आएगा। ये अजाब आएगा क्या सिर्फ एमएलए पे आएगा, एमपी पे आएगा, वजीर आजम पे आएगा? नहीं, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है, हरगिज़ ऐसी बात नहीं है। पूरी की पूरी कौम डूबेगी। साहबा ने पूछा अल्लाह कौम तो कुछ गलती नहीं करी, कौन तो कुछ गलती नहीं करी, उसका किसकी क्या कहता है कि उसको भी आजाद में शिकार करेगा अल्लाह? फरमाया कयामत में उठाया जाएगा तो वहां इंसाफ होगा, वहां मामला तय होगा कि किसने किस पर जुल्म किया, किसने क्या नहीं किया। अल्लाह का गजब आएगा, सबको भी डूबेगा, जाकिरीन को भी डूबेगा, उलमा को भी डूबेगा, अच्छे को भी डूबेगा, सबको डूबेगा। जिम्मेदार कौन होगा? जिसने बर्बाद किया वो होगा, जिम्मेदार कौन होगा? जिसने बर्बाद किया वो होगा। मेरे भाइयों इन्नल्लज़ीना यज़ुल्लूना अन सबीलिल्लाह बिमा नसू यौमल हिसाब, अल्लाह के रास्ते को छोड़कर, सीधे रास्ते को छोड़कर, तरीके मोहम्मदी को छोड़कर, पाकीज़ा रास्तों को छोड़कर, खिदमत के रास्ते को छोड़कर, सहाबा इकराम के रास्तों को छोड़कर जो तरीका इख्तियार किया जाएगा गुमराह होगा। नतीजे में सबको वले डूबेगा, अल्लाह का अजाब सब पर आएगा। मेरे भाइयों, मेरे प्यारे लीडरों, मेरे अजीजों, मेरे एमएलए साहब, मेरे एमपी साहब और मेरे यहां बैठे हुए महबूब लीडरान, आपसे मैं मुखातिब हूं, आपसे मैं इल्तिजा करता हूं। 5 साल के तो ये तो आप बड़े बना ही दिए गए हैं, अब आप अपनी जिम्मेदारी का एहसास फरमाएं। और ये कौम बुरी कौम हरगिज नहीं है। अगर ये कौम बुरी होती तो इस मुल्क में 800 साल तक हम मुसलमान ना होते। अगर ये कौन गंदी होती, ये कौन गिरी हुई होती, इसको अकल ना होती, इसको समझ ना होती, इसके साथ इंसानियत ना होती, तो हम 800 साल तक इस मुल्क के बागदौर हमारे हाथों में ना होती। आज अगर हम जरूर हो गए, आज अगर हम बर्बाद हो गए, आज अगर हम कमतर हो गए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? जरा गौर करना चाहिए, जरा गौर करना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे अजीजों, मेरे नौजवान लीडरों, मैं आपसे ही मुखातब हूं, आपसे साफ कहता हूं, इस बादशाह को आप अमानत जानिए, अल्लाह के लिए खिदमत कीजिए, फिर आप कौम के सामने भिखारी बनकर हाथ जोड़कर इतने लाख खर्च किया उतने लाख खर्च किया बोलने की जरूरत नहीं। कौम के अंदर बेदारी कीजिए, कौम की खिदमत करने के लिए आगे बढ़िए। एक तो जन्नत आपके लिए इस्तकबाल करने के लिए कहेगी सलाम अलैकुम तुम फदखुलूहा खालिदीन रहेगा। अल्लाह के नबी के झंडे आपके हाथ में होंगे, आपके पीछे शांति नगर के पूरे मुसलमान होंगे, आपके पीछे गौसा नगर के पूरे मुसलमान होंगे, आपके पीछे उदयगिरी के पूरे मुसलमान होंगे, आपके पीछे केसर के पूरे मुसलमान होंगे। और अगर आपने बर्बाद किया तो क्या नतीजा देखेंगे? आप भी बर्बाद, हम भी बर्बाद। आप ही गए, हम भी गए, आप भी डूबे, हम भी डूबे। हम तो क्या डूबे, हम तुम को भी ले डूबेंगे। मेरे भाइयों, ऐसा ना होना चाहिए। अब अल्लाह ने आपको 5 साल की मुद्दत दी है, अल्लाह के लिए उतर जाइए मैदान में, अल्लाह का नाम लेकर सही खिदमत कीजिए, सही रास्ता इख्तियार कीजिए। ये जालिमाना तरीका जिसको हमने सीख लिया है उससे तौबा कीजिए। तौबा का दरवाजा हमेशा खुला हुआ है। अल्लाह हर जालिम को, जाली को, बर्बाद को तौबा करने पर माफ कर देता है। आज आपके तौबा करने का मौका है।
बुरी आदतों से, गंदी आदतों से। अब तक हुआ, मैं नहीं कहता कौन अच्छा कौन बुरा, जो भी था अल्लाह बेहतर जाने। लेकिन आइंदा आप 5 साल हमारे लिए, हमारे मोहल्लों के लिए, हमारी तालीम के लिए, हमारे बेशुमार स्कीमों के लिए जिम्मेदार बना दिए गए। अब तक आप क्या थे? नौजुबिल्ला, हरगिज मैं नहीं कहता, मैं आप सबसे अल्लाह को हाजिर नाजी जानकर कहता हूँ, मोहब्बत रखता हूँ। ये मोहब्बत कुछ लेने के लिए नहीं, ये मोहब्बत कौन के आप जिम्मेदार हैं। अल्लाह ने हमको जिम्मेदार ठहराया है, इसलिए आपसे हमारी मोहब्बत है। आप छोटे से भी हमारी मोहब्बत है, बड़े से भी हमारी मोहब्बत है। तौबा कीजिए, तौबा कीजिए, और आइंदा 5 साल के लिए वो खिदमत कीजिए। एक चोटी, एक और आयत मैंने पढ़ा था, एक चोटी, एक चोटी अपने कौम की का दर्द लेकर कहती है, चूटी लंबा वाक्य है, बस हो गया, मैं सिर्फ हज करके बात अपना तर्जमा करके खत्म करता हूँ। एक चूटी ने अपने भाइयों का दर्द रखते हुए कहा, हजरत सुलेमान की फौज जा रही है, जरा घर के अंदर बचने के लिए चले जाओ। एक मामूली अदरा खिदमत अल्लाह को इतनी पसंद आई, कुरान पाक की ताकियामत रहने वाली सूरत में अल्लाह ने उस सूरत का नाम रख दिया चूटी, उस सूरत का नाम रख दिया चुंडी। और उसकी इत्तला उसी वक्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहुंचा दी। फतवस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा वक़ाल रब्बी औज़िअनी अन अशकुरा निअमतका अल्लती अन'अमता अलैय। जब अल्लाह कोई नियामत दे तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बहुत मुस्कुराते हुए फरमाया, ए अल्लाह तूने कितना बड़ा मर्तबा मुझे दिया, मैं कैसे तेरा इसका शुक्रिया अदा करूं। ये कुरान पाक में अल्लाह ने हजरत सुलेमान की जुबान में और वो उनके वालिद हजरत दाऊद की जुबान से नसीहत फरमाई। मैं ये दो आयतें आपके सामने पेश कर दिया हूँ, मौका होगा तो और इसमें बेशुमार हिकमतें हैं इंशाल्लाह अर्ज किया जाएगा। मैं आए हुए मेहमानों का अगर मेरी बातों से उनको दिल आजारी हुई हो तो अल्लाह के लिए माफी मांगता हूँ। और आइंदा 5 साल के लिए भी आपसे ये तमन्ना रखता हूँ कि आइंदा कौन को ये कहने का मौका नहीं देंगे कि हमारे जरिए चुन कर आए थे, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया, बल्कि ये कहेंगे कि हम जिंदा कौन है, हमारे लीडर जिंदा है, हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते रहेंगे। वाकई अल्लाह ने जज़ाक अल्लाह खैरा। जनाब हज़रत मौलाना अय्यूब अंसारी साहब ने हमारे दरमियान में कुरान हदीस के रूप से बड़ी अच्छी नसाए बयान फरमाई। उम्मीद है कि तमाम मुंतखब शुदा कारपोरेट राहबाब जो 10 इस वक्त हमारे दरमियान में तशरीफ फरमा है के पूरे कुरान करीम की इन आयतों के तहत जिंदगी गुजारने और आगे खिदमत करने का जो कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। इसके बाद